Morning, third class. Open your the English book and chapter number 7. Today we read chapter number 7, Rip Van and Winkle. So one day Rip Van Winkle fell asleep, and when he woke up, he had become an old man. तो इसमें एक Rip Van का man है, ठीक है. तो वो एक दिन सोता है, तो जब वो उठता है तो फिर वो बूढ़ा हो चुका होता है. सो लेट्स वी रीड कि वो जो बूढ़ा कैसे होता है सोते टाइम. सो स्टार्ट. Rip Van Winkle वॉज ए लेजी मैन, ही स्लेप्ट द होल डे. जो Rip Van Winkle है वो एक सुस्त आदमी है, वो सारा दिन सोता रहता है. हिज वाइफ ट्राइड टू बेस्ट टू गेट रीड Rip Van Winkle टू टेक अप ए जॉब. उसकी वाइफ सोचती है कि ये अच्छा तरीका होगा अगर उसको एक जॉब मिल जाए तो ये उसे अच्छा, इससे छुटकारा पाने के लिए अच्छा होगा. तो वो कोशिश करती है. व्हेन ही डिड गेट ए जॉब, जब वो नौकरी करेगा, ही आस्क्ड टू लीव एंड बिकॉज ही स्लेप्ट टू मच. तो ऐसे वो ज़्यादा सोना कम कर देगा. वन डे Rip Van Winkle ट्राई टू हिज वाइफ टेलिंग हिम टू गेट ए जॉब. एक दिन Rip Van Winkle की जो वाइफ है उसे कहती है कि तुम्हें एक कोई अच्छी नौकरी करने नहीं चाहिए. रन अप ए माउंटेन विद ए फेवरेट कैंपियन विद हिज डॉग. तो तुम्हें क्या करना है कि तुमने अपने डॉग के साथ अपनी एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है. ही रीच द टॉप. जब वो ऊपर पहुंच जाएगा. क्रॉस ए स्ट्रीम एंड वेंट टू स्पॉट व्हेन द नोबडी एवर केम एंड सैट डाउन देयर एंड ही हैड नेवर टू सो मच एक्सरसाइज इन हिज लाइफ. तो वो कहती है कि जब तुम ऊपर पहुंच जाओगे तो वहाँ एक स्ट्रीम को आपने क्रॉस करना है, और स्ट्रीम होता है नदी. तो नदी को आपने वहाँ से क्रॉस करना है और यहाँ ऐसी जगह पर पहुँच जाना है जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है, और तुम्हें वहाँ आराम से बैठ जाना है, और तुम्हें वहाँ पर कभी भी ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ही वॉज जस्ट गेटिंग बैक टू हिज ब्रीथ. तभी उसने एक लंबा सा सांस लिया और वापस आई. एंड व्हेन ही हर्ड समवन कॉल नेम Rip Van Winkle, तभी इसे एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें उसका नेम लेते हैं. Rip Van Winkle, स्ट्रेंज, ये अद्भुत था. नो बॉडी नोज मी दे हेयर दे व्हेन हु इज कॉलिंग मी. तभी वहाँ पर कोई भी नहीं था, बट मुझे ये कौन बुला रहा है, थॉट Rip Van Winkle. Rip Van Winkle ने सोचा. ही टर्न्ड अराउंड एंड सा ए फनी लुकिंग मैन कैरिंग ए बैग विद बिग बैग बैरल. तो तभी वो घूमा तो उसने देखा कि एक फनी सा जो आदमी है वो एक बैग लेके जा रहा है. द फनी लुकिंग मैन सेड प्लीज हेल्प मी कैरी दिस बैरल बैग टू माई फ्रेंड्स ए लिटिल ब्रो द स्ट्रीम. तो तभी वो जो आदमी है वो उसे कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो ये वाला बैरल उठाने में, ताकि मैं अपने इसको फ्रेंड्स तक पहुंचा सकूं. सो Rip Van Winkle हैड क्लाइम टू सो फॉर एंड माउंटेन टू अवॉइड द वर्क एंड हेयर इज अ मैन आस्किंग फॉर हेल्प. तो जो Rip Van Winkle है वो सोचता है कि मैं इतनी दूर से ऊपर चढ़ के पहाड़ी पर आया हूँ ताकि मैं काम से छुटकारा पा सकूँ, और यहाँ पर भी मुझे आदमी हेल्प के लिए बोल रहा है. तो ही फर्स्ट डिसाइड टू रिफ्यूज़. उसने डिसाइड किया तो मैं मना कर दूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा. बट देन थॉट, उसके बाद उसने सोचा, लेट मी हेल्प द पुअर मैन देन आई कैन रेस्ट. तो तभी उसने कहा कि इस गरीब आदमी की मैं हेल्प करता हूँ और फिर उसके बाद मैं रेस्ट करूँगा. सो ही एंड ही इज़ फनी लुकिंग मैन वॉकिंग डाउन ए केव इन द माउंटेन ब्लो द स्ट्रीम. तभी वो जो फनी लुकिंग मैन था वो नीचे आकर गुफा के अंदर और स्ट्रीम के ऊपर आ गए दोनों चल के. देयर वर प्लेइंग.
सॉरी देयर वर रिप वैन विंकल सा मैनी अदर फनी लुकिंग मैन। तो भी उसने वहाँ पर बहुत सारे फनी लुकिंग मैन देखे, बहुत सारे देखे। ऑल ऑफ देम वर प्लेइंग, वो आपस में खेल रहे थे। दे इग्नोर्ड हिम, तो सभी ने उसको इग्नोर किया, यानी कि उसको अनदेखा कर दिया। एज सून एज द ब्रेवल वाज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, तो जैसे ही वो बैरल, जो ऐसा वाला बैरल था वो आने लगा, तो मैन पुल्ड अदर देयर मग्स एंड डिप्ड देम इनटू बैरल एंड ड्रैंक समथिंग, इट वाज स्ट्रेंज स्वीट ड्रिंक। तो तभी जैसे ही बैरल उनके पास आया तो सभी आदमियों ने अपने अपने मग उठाए और वहाँ उसमें डिप किया और वहाँ कुछ पीने लगे। ये अजीब था, ये एक स्वीट ड्रिंक था, यानी कि मीठा पीने वाला ड्रिंक था। रिप मैन विंकल इज टू डिप्ड ए मग इन द बैरल एंड ड्रैंक इट, इट इज़ टेस्ट गुड। तो रिप मैन विंकल ने भी एक मग डिप किया बैरल में और उसको पी लिया, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। ही हैड वन मोर मग, उसने एक और मग लिया। आफ्टर हैविंग थ्री मग ही फेल स्लीप, तो थ्री मग पीने के बाद वो सो गया। वेन ही वोक ही सा द ऑल फनी मैन हैड गॉन, तभी जब वो उठा तो उसने देखा कि जो सभी फनी मैन थे वो वहाँ से जा चुके थे। ही कॉल्ड आउट हिज डॉग, उसने अपने डॉग को बुलाया, अपने कुत्ते को बुलाया। देयर बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, उसका कोई भी आंसर नहीं आया। ही कुड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं कर सकता था। ही हैड स्लेप्ट द ऑल डे, उसने देखा कि मैं पूरा दिन सोता रहूं, ऑल डे एंड नाइट, उसने सोचा कि मैं पूरा दिन और पूरी रात सो रहा था। ही गॉट अप, जब वो उठा, ही ज्वाइंट एस्ट, तो उसकी जो उसके जो जॉइंट्स थे, यानी कि जो जोड़ थे, वो दर्द हो रहे थे, ठीक है। एज ही स्टार्टेड वॉकिंग बैक होम, तो जैसे ही उसने अपने घर वापस जाने के लिए चलना शुरू किया, ही सा ए विलेज डाउन बिलो विच सम हाउ सीम्ड चेंज, तभी उसने देखा कि जो उसका गांव है वो बहुत चेंज हो गया था। व्हेन ही एंटर द विलेज, जैसे ही वो अपने गांव में वापस आया, ही सा ए न्यू फेसेस, उसने नए नए फेस देखे। ऑल द पीपल लुक्ड एट हिम एंड रब देयर चेंज, तो सभी जो लोग थे लोग उसकी तरफ देख रहे थे और अपने जो चेंज होते थे वो रब कर रहे थे। सीइंग देम टू दिस रिप वैन विंकल एट डिड द सेम, तो जैसे ही उसने लोगों को देखा तो उसने अपने फेस पर हाथ लगाया। टू ही सरप्राइज ही फाउंड दैट ही हैड ग्रोन फुट लॉन्ग ब्रीड ओवरनाइट, तभी वो ये देख के हैरान हो गया। उसने देखा कि जो उसके जो गाल पे है पूरे लॉन्ग ब्रीड, मतलब कि बहुत सारे बाल आ गए थे पूरी रात में। रिप वैन विंकल वाज पजल्ड, वो पागल हो गया था कि ये क्या हो गया। ही बिलीव्ड दैट ही नो मोस्ट ऑफ वी पीपल फोक्स वेल, बट टूडे ही किड नॉट सी एनी वन हु इज नोन टू हिम, वो उसको विश्वास था कि कोई तो मुझे पहचानेगा, बट वहाँ पर उसे कोई भी पहचान नहीं रहा था। द चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हिम, जो बच्चे थे उस पर हंस रहे थे। एंड रनिंग बिहाइंड देम, तो बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे। रिप मैन विंकल स्टॉप्ड बाय प्लेस वेयर देयर हैड नो स्कूल एंड आस्क द क्राउड द गैदर्ड वेयर इज अ सूनर एंड स्कूल मास्टर एंड समबॉडी ओ स्कूनर ही वेंट टू वॉर इन 63 नेवर बैक कम। तो तभी उसने रिप वैन विंकल ने एक स्कूल था वहाँ से उसने भीड़ से पूछा कि स्कूनर कहाँ है, स्कूल मास्टर कहाँ है। तो उसने किसी ने उसको आंसर दिया कि 63 ईयर्स बैक, वो 63 ईयर्स की जो जंग हुआ था उसमें वो चला गया, वो कभी भी वापस नहीं आया। एंड वैन डैमल कहाँ है, आस्क्ड रिप वैन विंकल, उसने पूछा। ही डाइड 18 ईयर्स बैक, वो 18 साल पहले मर चुका था। एंड सेड अनदर वॉइस इन द क्राउड, एक और भीड़ में से एक और आवाज़ आई। रिप वैन विंकल थॉट आई एम गोइंग टू मैड
एम आई गोइंग टू मैड? रिप वैन वेंकल ने सोचा कि मैं पागल हो गया हूँ। हैव आई स्लेप्ट ऑल दिस ईयर ऑन द माउंटेन? क्या मैं इतने साल से वो पहाड़ी पे सो रहा था? फाइनली रिप वैन वेंकल आस्क्ड द समवन एनी वन हेयर मेंबर। रिप वैन वेंकल ए वूमन सेड यस ही वॉज माई फादर। ही वेंट टू अप माउंटेन्स 21 years बैक बट नेवर रिटर्न्ड। हिज डॉग कम बैक विदाउट हिम। तभी उसने कहा क्या आप में से कोई रिप वैन वेंकल को जानता है? तभी एक औरत ने वहाँ से ये आवाज़ दी कि हाँ मैं जानती हूँ, वो मेरे पापा थे। 21 साल पहले वो पहाड़ियों पे चले गए थे और वहाँ से कभी भी वापस नहीं आए। उनका जो डॉग था वो उनके बिना ही वापस आ गया। रिप वैन वेंकल ओवरजॉयड। तो रिप वैन वेंकल जो थे वो खुशी से पागल हो गए। ही सैड डॉटर इट्स मी। रिप वैन वेंकल डोंट रिकोगनाइज मी। उसने कहा कि मेरी बेटी प्लीज़ मुझे पहचानो। तब मुझे पहचान नहीं। ओह फादर इट्स रियली जो ओ पापा क्या आप हो? वेयर हैव यू बीन ऑल द वाइल आस्क्ड हिज डॉटर। फादर डॉटर हग्ड ईच अदर एंड रिप वैन वेंकल इज इंडीड स्लेप्ट फॉर 21 years। तो उसने जो ऐसे उसकी जो मम्मी उसके पापा और जो बेटी थी उन्होंने एक दूसरे को हग किया और एक दूसरे वो रिप वैन वेंकल असल में 21 years मतलब 21 साल से वहाँ माउंटेन्स पर वो सो रहा था। तो जैसे ही वो सो के उठा तो तब वो बूढ़ा हो चुका था और जब वो अपने विलेज में वापस आया तो उसको कोई भी पहचान नहीं रहा था और उसको उसमें से एक उसकी बेटी थी और उसने उसको पहचाना और वो एक लेज़ी मैन था। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर हम लेज़ी होंगे तो हम भी रिप वैन वेंकल की तरह ही जल्द बूढ़े हो जाएंगे बट हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो डोंट बी लेज़ी, डू योर स्टडी एंड डू योर होमवर्क। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।